नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल ओडिशा गस्तरे आसी राज्य सरकार विभिन्न कार्यर समीक्षा करछन्ती। या सहित मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साक्षात करी नीति आयोग परिचालना परिषद बैठक में जोगदेवा आनुष्ठानिक आमंत्रण करछन्ती। अवसर में बारंबार प्राकृतिक विपर्ययर सम्मुखीन होता ओडिशा को स्वतंत्र राज्य पाहिया प्रदान दाबी उपस्थापित होईची। नीति आयोग उपाध्यक्ष श्री बेरी और सदस्य डॉक्टर बीके पॉल को सह नीति आयोग वरिष्ठ अधिकारी माने ओडिशा गस्तरे आसी भुवनेश्वर स्थित वर्ल्ड स्किल सेंटर महिला एसएचजी को द्वारा परिचालित उद्योग गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र पिपिली ठारे थिबा वेलनेस सेंटर 5T रे रूपांतरित हाईस्कल और ओडिशा क्राफ्ट म्यूजियम कलाभूमि देखि बुलिथिले। या सहित लोकसेवा भवन रो कन्वर्सन सेंटर रे मुख्य सचिव सुरेश महापात्र उन्नयन कमिशनर प्रदीप जेना और विभिन्न विभाग सचिव मानक उपस्थित रे एक समीक्षा बैठक करथिले। ए बैठक रे उन्नयन कमिशनर श्री जेना स्वागत अभिभाषण प्रदान करथिया बेले राज्य सरकार पक्षर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाइथिला। पंचायतीराज पानीय जल सचिव एके मीना और अर्थ विभाग सचिव विशाल देव राज्य में कार्यकारी होता योजनार सफलता उपरे आलोकपात करते। नीति आयोग उपाध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी होता कार्यर सफलता को मध्य प्रशंसा कर राज्य सरकार पक्षर जारी प्रेस रिलीज्रे दर्शाई। संध्या नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सदस्य श्री पॉल नवीन निवास में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साक्षात कर आसंता 7 तारीख में दिल्ली में होगा नीति आयोग परिचालना परिषद बैठक को आमंत्रण करते। अवसर में मुख्यमंत्री श्री पटनायक राज्य में रेलवे टेलिकॉम और बैंकिंग भित्तिभूमि को नहीं दीर्घ दिन दाबी संपर्क में सम्यक दाबी उपस्थापन करते। खूब शीघ्र राज्य सरकार पक्षर एने विस्तृत दाबी रखा से कहते। या सहित ओडिशा बारंबार प्राकृतिक विपर्ययर सम्मुखीन होता स्वतंत्र राज्य पाहिया मान्यता ओडिशा को प्रदान करने को मुख्यमंत्री श्री पटनायक दाबी उपस्थापन करते। रिपोर्ट सकाळ खबर।